जिसे आप अभी देख रहे हैं वह एक ह्यूमन बॉडी है जिसका स्केलेटन स्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से विकृत हो गया है कि देखने में यह बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लगता। जांच में साइंटिस्ट पाते हैं कि यह म्यूटेशन इस शख्स की बॉडी में किसी हिडन डीएनए के एक्टिवेट होने से हुआ है। यह विटनेस बताती है कल रात खाने के बाद से ही यह आदमी लगातार बुरी तरह से चिल्ला रहा था और इसके बाद से इसकी बॉडी पूरी तरह चेंज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि इस तरह का यह पहला केस था। लेकिन जल्द ही एक और केस सामने आता है जिसमें म्यूटेशन के बाद एक हस्बैंड ने अपने वाइफ की गर्दन तोड़ दी थी और पुलिस को उस कपल के घर से एक अनरेगुलेटेड ड्रग मिलता है जिसे उन्होंने किसी अनऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा था। ड्रग की जांच में साइंटिस्ट को पता चलता है कि यह ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है लेकिन इसका दुष्प्रभाव डीएनए पर भी पड़ता है। अब इस तरह के कई केस सामने आ रहे थे और शहर में इन क्रिएचर्स के हमले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे जिनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेशल फोर्सेज को भेजती है और उस इलीगल वेबसाइट को बंद करवा देती है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे डरावने क्रिएचर शहर में घूम रहे थे जिनमें से कुछ तो बहुत ही बड़े और काफी स्ट्रांग थे। सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर कितने लोगों ने इस ड्रग्स को खरीद कर उसका उपयोग किया है।